जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज है सेकंड डे और पूजा हो गई है मेरी और मैंने पहनी है साड़ी। ये दिखाऊं, ये साड़ी है और आज है शाही स्नान। तो हर की पैड़ी तो जाने नहीं देते हैं क्योंकि हर की पैड़ी शाही स्नान में ये होता है कि मॉर्निंग 7 से और इवनिंग 7 तक अखाड़े वाले जो होते हैं ना, बाबा वगैरह, उनका ही स्नान होता है। तो यहीं मतलब गंगा जी तो हरिद्वार में बहुत जगह है, बहुत सारी जगह, तो प्रेम नगर आश्रम है, वहाँ जा रहे हैं हम। क्योंकि दक्ष मंदिर में भी हमने शिवरात्रि के दिन स्नान किया था, आप लोगों ने देखा ही, मतलब स्नान तो नहीं दिखाया मैंने बट किया था हमने उस दिन। और ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, मतलब बच्चों का हो गया है और मैंने कुछ भी नहीं लगा रखा क्योंकि वहाँ जाना है तो स्नान होना है तो फिर क्या स्टिक लगाई है और ये बिंदी वगैरह तो है ही। और कपड़े भी अलमारी से सारे कपड़े निकाले थे बाहर कि इनकी सेटिंग करनी है, बट फिर ये हुआ कि इनकी छुट्टी है तो क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए और शाही स्नान है तो पहले स्नान करके आ जाते हैं। टाइम 10:30 हो रहे हैं और फिर उसके बाद ये कि आके फिर कपड़े वगैरह धुलने भी हैं और ये भी दो काम है फिर ये कर लेंगे। और आज बैसाखी भी है तो बैसाखी की भी आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ बैसाखी में पापड़ वगैरह मतलब बनाते, पूरी पापड़ वगैरह बनाते, बहुत अच्छे से बनाते हैं बैसाखी का त्यौहार। तो पूरियाँ मैंने बना ली थी और पापड़ शाम को तल लूँगी बच्चों के लिए। तो बस ये सब निकल रहा है तो चलो लेके चलती हूँ आपको कुंभ स्नान में। किधर जा रहे हैं आप? इधर ही नहाते थे। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ से वो डाली हैं क्योंकि वीडियो सारी डिलीट हो गई थी, जितनी भी मैंने वीडियो बनाई थी। और बहुत बुरा लगा कि वीडियो डिलीट हो गई, सेलेक्ट की मैंने और कॉपी करी थी और वो डिलीट का ऑप्शन दब गया और डिलीट हो गई। चाहे मैं वीडियो में ना डाल पाती बट अपने लिए थोड़ा यादगार रहती, बट क्या कर सकते हैं, डिलीट हो गई। तो कुछ फ़ोटोज़ थी तो मैं आपके साथ यही शेयर कर रही हूँ, यही बची है मेरे पास। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कल के बाद मैं आपको मिल रही हूँ। आज कल हम गए थे गंगा जी नहाने क्योंकि शाही स्नान था तो हर की पैड़ी तो नहीं मैंने मतलब बता रखा है आपको वैसे सारा। और लेकिन पता है क्या, मतलब बहुत मस्ती करी, बहुत मज़ा आया। और लेकिन ये हो गया, अंधेरा क्यों आ रहा है, लेकिन ये हो गया कि मतलब जो ना शूट किया था सारी वीडियो ना डिलीट हो गई, सारी वीडियो डिलीट हो गई क्योंकि मैं दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर रही थी और वो सेलेक्ट करी और वो डिलीट हो गई, मतलब शेयर की जगह वो डिलीट हो गई। और देखूंगी अगर रिकवर हो पाई तो रिकवर करूंगी। और आज है, आज तीसरा दिन है और अभी मैं जा रही हूँ, मंदिर है यहीं पे, देखती हूँ सती माता मंदिर जाऊँगी, शायद सती कुंड जाऊँगी। और आप सोचोगे क्या, तो मैं बाती बना रही हूँ मंदिर जाने के लिए, बातें बना रही हूँ। मैंने कहा चलो वीडियो स्टार्ट किया था कल तो आज एंड भी कर ही देती हूँ। और पता नहीं क्यों अंधेरा आ रहा, आज मैंने ये साड़ी पहनी है। और ये साड़ी पता है मम्मी की है, मेरे मम्मी से लेके आई थी, मतलब मम्मी ने पहनी नहीं थी, मैंने ही ब्लाउज़ वगैरह सिलवाया था। और 7-8 साल मतलब शादी के टाइम ले आई थी ना, जब मेरी शादी हुई थी
तो तब की साड़ी है ये। और चलो आजकल साड़ी पहनने का मौका मिल गया और बस यही सब है। मैंने कहा चलो वीडियो स्टार्ट किया है तो उसका एंड भी कर ही देती हूँ। और 3 दिन तो निकल गए, कुछ पता नहीं चला। और आज मैंने ऐसी हेयर स्टाइल बनाई है। कैसी लग रही है? आती नहीं है मुझे, बस वैसे ही थोड़ा बहुत बना दी। वो होता है ना हेयर स्टाइल बनाने में ना, मतलब हाथ ऐसे करने पड़ते हैं, तो मेरे ना सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा वो करती हूँ। और आज पता है दिन में बच्चों को सुलाना है, तो फिर वो लेटना पड़ता है उनके साथ, और लेटो तो फिर मुझे आना नींद आ गई। और आके देखो अभी सूजी सूजी से आराम से बेटा। और क्लासेस तो स्टार्ट हो ही गई हैं आज से। और बस, और मैंने पूरा सिंगल भरा है। वैसे मैं हमेशा ही भरती हूँ, पता है यहाँ तक मेरी आदत है। और मैं सूखा ही यूज़ करती हूँ, गीला मैंने अभी तक गर्मियों में किया होगा बस, और वो भी इस साल वैसे नहीं किया है मैंने। और मेरी ना हरियाली भी ना आ गई है, जो जौ डालते हैं ना, तो वो हरियाली भी आ गई। मैं हमेशा ही होता है कि तीसरे दिन आ जाती है और बहुत अच्छा लगता है। पता है एक बार की बात बताऊँ आपको, जब फर्स्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था, तो हम 3 फ्रेंड थे, हमने स्टार्ट किया था माइक 9th ऐसे ही थी मैं 9th या 10th में। तो तीनों फ्रेंड ने स्टार्ट किया था, सुबह उठ के हम गंगा जी गए थे। और वहाँ से आपको पता ही है मेरे मायके में तो गंगा जी पास नहीं है, तो उस टाइम तो हम खैर सरकारी क्वार्टर में रहते, बट वहीं पे है सरकारी क्वार्टर जहाँ हम पहले रहते थे, जहाँ घर है अभी वहीं पे ही है। और तो फिर गंगा जी गए थे हम, और वहाँ से लेके आए थे रेत वगैरह जो भी चाहिए, और डाली थी हमने। बट पता क्या, मेरी फ्रेंड थी, एक फ्रेंड थी, उसके ना बिल्कुल भी नहीं आया था, बिल्कुल भी उसका एक भी दाना जौ का मतलब उगा नहीं, जैसे हरियाली जौ आती है, एक भी दाना। तो तब से ना डर भी लगता था डालने में, क्योंकि हम दोनों के तो आ गया था, उसी के नहीं आया था। पता नहीं क्या ख़राब जौ होंगे, मतलब हम ये बोलते चलो ख़राब भी जौ होते, एक तो आता ना, बट एक भी नहीं आया था। तो फिर मतलब थोड़ा डर भी रहता है जब डालते, तो थोड़ा डर भी रहता है। बट अभी तक माता रानी की कृपा से ठीक ठाक रहा है, जितनी बार भी मैंने डाला है तो आ जाती हैं। और अब दिखाऊंगी आपको, जब थोड़ा बड़ी हो जाएंगी ना तब दिखाऊंगी। वैसे 5वें दिन शायद इसके वो खुलते हैं, जो मतलब ढका रहता है ना, 5वें दिन शायद खुलते हैं, तो 5वें दिन दिखाऊंगी आपको। और चलो ले चलती हूँ आपको मंदिर। मंदिर जा रहे तो इनको क्या चाहिए बताओ, क्या लाना है? बिस्किट और केक। क्या लाना? बिस्किट का। आप चुप रहो। बिस्किट बटर डोनट केक, दोनों केक ना, 5। अच्छा नहीं, दोनों केक। अच्छा दोनों केक बनाना है, कहने का मतलब है बिस्किट वाला केक बनाना है, तो बिस्किट लेके आ रहे हैं इनके लिए। चॉकलेट भूल गया, चॉकलेट। अच्छा भूल गया ये चॉकलेट, चॉकलेट वाला बिस्किट, चॉकलेट केक। हां चॉकलेट केक, मम्मी छोड़ना चॉकलेट, चॉकलेट लेना होगा। हाँ, और केक बनाना होगा। ठीक है, तो फिर हम चलें। बाल 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 हम जाएंगे तभी तो लेके आएंगे ना। मम्मी और बाल उसको उसमें बदना था। आप इस फोन पकड़ो, मैं साड़ी दिखा रही हूँ अपनी, ऐसे पकड़ के रखो, बस ऐसे पकड़ के रखो, ऐसे करो, थोड़ा इधर करो, नहीं नीचे नीचे, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे। हनु आगे जाते, हटो हनु, हनु हटो, हनु हटो, हनु मम्मी, ये थी मम्मी की साड़ी। तो
था काली देवी का मंदिर, और अब जा रहे हैं सती माता के मंदिर, बिल्कुल यहीं पे ही है, 2 कदम की दूरी पे ही। अब हम वहाँ जा रहे हैं।